Hello dear students, let's start with the second part of the chapter, The Stormy Adventure. Don't leave the cabin, Captain Kumar warned his children. Rohini was fast asleep, wedged in tightly between the pillows. Knocked out by seasickness pills, I bet, Vishal muttered. Hope I won't need them myself. It would never do to get seasick just as he was getting his sea legs. Now Captain Kumar, who is the father of Rohini and Vishal, and the captain of the ship, he is warning his children because the weather has turned bad. It has become stormy outside. So Vishal और रोहिणी दोनों अपने कैबिन में हैं और कैप्टन कुमार उन्हें वार्निंग देते हैं कि वो कैबिन से बाहर बिल्कुल ना आए. रोहिणी फास्ट स्लीप है, यानी कि साउंड स्लीप है, यानी गहरी नींद में सो रही है. उसको कुछ पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है. इफ़ यू कैन सी इन द पिक्चर, वेज्ड इन टाइटली बिटवीन द पिल्लोज. वेज होता है स्टक होना, फंसे होना. पूरी तरह से वो पिल्लोज के बीच में फंसी हुई है, मतलब अपने पूरी तरह से साउंड स्लीप में है. दोनों तरफ उसने पिल्लोज रखे हुए हैं और बीच में वेज इन, अपना सिर उसने बीच में दिया हुआ है. वैसे यहाँ लिखा नहीं है सिर दिया हुआ है, बट वेज इन मीन्स टू स्टक इन बिटवीन. बिटवीन मीन्स टू पिल्लोज के बीच में उसने अपने आप को टाइटली स्टक किया हुआ है. अनकॉन्शियस है वो. नॉक आउट मीन्स अनकॉन्शियस हुई हुई है, यानी कि एक तरह से बेहोश हुई हुई है, बिकॉज उसने सी सिकनेस की पिल्स यानी गोलियाँ खाई हुई हैं. एंड आई बेट, विशाल कहता है कि आई बेट कि इसने पक्का सी सिकनेस की पिल्स खाई हैं, तभी इतनी ज़्यादा साउंड स्लीप में है. विशाल मटर्ड मीन्स टू स्पीक इन अ लो वॉइस. होप आई वोंट नीड देम माई सेल्फ, कहता है शुक्र है मुझे सी सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं है और मुझे उसकी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती. It would never do to get seasick just as he was getting his sea legs. कहता जैसे मैंने अपनी sea legs हासिल की हैं या मुझे मिली हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा balance करना सीख लिया है. आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मैंने sea legs को सीख लिया, बट आई cannot handle sea sickness. कहता थैंक गॉड मुझे sea sickness की प्रॉब्लम नहीं है, जो रोहिणी को है मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता. He looked helplessly around the cabin bed lamp seemed to have broken loose. Now the pronunciation of this word with double O, जिसका मतलब होता है ढीला, इसको हम लूज स से बोलेंगे. L O S E, इसको हम बोलेंगे लूज Z से, जिसका मतलब होता है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट की कोई मेरी चीज़ गुम हो गई है, तो वो हम बोलेंगे Z से. ये जो है इसको हम बोलेंगे लूज. So, drawers and books came crashing down on the ground with every lurch, while tables and chairs turned cartwheels. Even the fridge had started a solitary jig across the floor. Suddenly, there was an alarm crash on the starboard side of the ship. कहते अब जब कैबिन में विशाल पहुंचता है तो he is looking helplessly around the cabin. बेचारा helpless है, क्या करे. हर तरफ bedlam है. Bedlam means noisy disorder. मीन्स चीज़ें गिर रही हैं, क्रैश डाउन हो रही हैं, आवाज़ हर जगह नॉइजी नॉइज है. ब्रोकन लूज मीन्स पूरी तरह से, ब्रोकन लूज का मतलब यहाँ कि बहुत ज़्यादा शोर है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ड्रॉर्स गिर रहे हैं, चेयर्स गिर रही हैं. इफ़ यू कैन सी इन द पिक्चर, सारे ड्रॉर्स बाहर निकल के गिरे हुए हैं. चेयर्स जो हैं वो कार्टव्हील, चेयर्स कार्टव्हील हुई हैं. टर्न कार्टव्हील्स मीन्स स्पिनिंग, उल्टी हो गई हैं और क्रैश हो चुकी हैं. दे आर स्पिनिंग, दे आर मूविंग एंड दे आर यू नो turning down and they are crashed with every lurch of the ship. Lurch हमने पहले भी पढ़ा था, roll, जैसे ship को ship roll कर रही है, उसको झटका लग रहा है, ship हिल रही है, तो ये सारी चीज़ें ground पे आके गिर रही हैं और crash हो रही हैं. tables, chairs, turn, cartwheels spin कर रहे हैं, हिल रहे हैं और crash हो रहे हैं. even जो कहते हैं कि cabin में fridge है वो solitary jig कर रही है. solitary mean alone, fridge एक side पे alone है, across the floor हो. सॉल्ट्री जिग मीन्स डांसिंग, वो बेचारी सॉल्ट्री मीन्स अलोन, अकेली नाच रही है, काइंड ऑफ, यानी कि हिल रही है. एंड इट इज़ अबाउट टू फॉल. सडनली देर वॉज एन अलार्मिंग क्रैश ऑन द स्टारबोर्ड साइड. स्टारबोर्ड साइड इज़ द राइट साइड ऑफ द शिप, जहाँ से हम शिप में एंटर होते हैं. वहाँ से कहते बहुत ज़्यादा ज़ोर से क्रैश, यानी कि कुछ टूटने की आवाज़ आती है, जो कि बहुत अलार्मिंग यानी कि शॉकिंग है. विशाल पीयर्ड आउट थ्रू अ पोर्ट होल. ही गास्प्ड. Mountain of waves seemed to be descending savagely on them. The Trishna, only 8,000 tons big, rose high and was tossed down mercilessly. Every punch from the waves seemed to send her reeling. As she shuddered and groaned, it seemed as if she might break up.
Now sea and sky turned into a watery blur. The full fury of the typhoon was coming. Vishal's hand turned cold and clammy. कहते हैं अब जो विशाल है वो पियर्ड आउट मीन्स लुक विद डिफ़िकल्टी, थोड़ी डिफ़िकल्टी से पोर्ट होल में से बाहर देखता. पोर्ट होल शिप के अंदर जो एक छोटी राउंड विंडो होती है उसको बोलते हैं, उसमें से वो बाहर देखता है. एंड ही गास्प, गास्प मीन्स एक गहरी सांस लेता है, अ शॉर्ट सडन इनटेक ऑफ ब्रेथ. क्यों? क्योंकि वो डर जाता है जब वो पोर्ट होल में से उस स्मॉल विंडो में से बाहर देखता है, तो उसको बहुत बड़ी वेव्स उसकी तरफ डिसेंड होती हुई मीन्स कमिंग उसकी तरफ आती हुई नज़र आती हैं, विच आर सिवेजली वेरी वाइल्ड अनकंट्रोलेबल वेव्स का पूरा पहाड़. यानी एक्चुअल में वो पहाड़ नहीं है, एक्चुअल में वो वेव्स हैं, लेकिन इतनी बड़ी वेव्स हैं कि ऐसा लग रहा है कि वेव्स का पूरा पहाड़ जो है उनकी तरफ डिसेंड कर रहा है, आ रहा है. सिवेजली, सिवेजली इज़ वाइल्डली अनकंट्रोलेबली, जिसको रोका नहीं जा सकता. और तृष्णा जो कि 8,000 tons बिग है, उसको वो वेव्स ने रोज़ हाई, रोज़ इज राइज, रोज़ राइजन, ऊपर उठा दिया. 8,000 tons बिग शिप को ऐसे जैसे कि कोई वो टॉय होती है शिप, एंड टोज डाउन इज थ्रो डाउन, उसको उठा के नीचे पटक दिया है. मर्सीलेसली मीन्स अनकाइंडली उसको नीचे पटक दिया शिप को, ऐसे जैसे कोई शिप कोई टॉय होती है. और एवरी पंच फ्रॉम वेव सीम टू सेंड हर रीलिंग, कहते जितना जो वेव्स हैं, जैसे ही वेव्स आके शिप को हिट कर रही हैं, शिप के साथ टकरा रही हैं, तो जो पूरी शिप है वो रीलिंग मीन्स स्पिन हो जाती है, हिल जाती है, डांस करने लगती है, पूरी हिल जाती है शिप. एज शी शडर्ड एंड ग्रोन्ड, इट सीम्स एज इफ शी माइट ब्रेक, कहते और वो शडर्ड हो रही है शिप, यानी शिवर हो रही है, पूरी शिप कांप रही है. ग्रोन इज क्राई इन पेन, पूरी शिप में से सामान के गिरने की जो आवाज़ें आ रही हैं उसको राइटर ने बोल दिया ग्रोन. ग्रोन का वैसे मतलब होता है दर्द में कराना, दर्द में रोना. एक्चुअली शिप तो दर्द में नहीं रो सकती, इट्स अ पर्सोनिफिकेशन हियर, क्योंकि शिप एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन उसके अंदर जितना सामान गिरा उसकी आवाज़ों को यह ग्रोनिंग बोला गया. और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो शिप है वो टूट जाएगी. स्काई और सी वाटरी ब्लर हो गया. वाटरी ब्लर मीन्स स्मज या मिक्सचर, आपस में पूरा मिक्सचर हो गया है, पता ही नहीं चल रहा सी कहाँ ख़त्म हो रही है, स्काई कहाँ शुरू हो रहा है, क्योंकि हर तरफ पानी है, ऊपर से रेन हो रही है, ओशन में पानी पानी है, ऐसा लग रहा है पानी का पूरा मिक्सचर हो गया है. और टाइफून की जो फ्यूरी है, जो गुस्सा है, वो पूरा अपने चरम सीमा पर पूरा हाई है, उसका जो एंगर है वो टाइफून, फ्यूरी ऑफ द टाइफून वॉज कमिंग मीन्स पूरे गुस्से में जो टाइफून है उनकी तरफ आ रहा है. विशाल के जो हाथ हैं वो ठंडे पड़ गए हैं, टर्न्ड कोल्ड एंड क्लैमी इज़ वेट, गीले हो गए हैं, नर्वसनेस की वजह से उसको प्रेस्पिरेशन हो रही है, पसीना आ रहा है, और उसके हाथ क्लैमी यानी डैम्प है. टू लाउड बैंग्स फॉलोड फॉर गेटिंग हिज फादर्स इंस्ट्रक्शन, द बॉय रेज्ड फ्रेनेटिकली अप टू द ब्रिज. कैप्टन कुमार वॉज पेसिंग अप एंड डाउन राइजिंग क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस, सॉरी गिविंग क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन. He nodded at Vishal, we are going off course, some of the cargo is damaged and the gangway broken loose, that probably what you heard, it's dragging by its wire ropes in the water and hitting the ship's side hard. Ab kehte do zor zor ki awazein, kehte do zor zor ki awazein hoti hain, ek ke baad ek followed, ek ke baad ek awazein hoti hain. Aur अपने फादर की इंस्ट्रक्शन, जो कि उसके फादर ने उसको कहा था कि कैबिन में ही रहना, बाहर नहीं निकलना, वो विशाल भूल जाता है और भागता हुआ फर्नाटिकली ब्रिज पे चला जाता है. फर्नाटिकली मीन्स वेरी फास्ट एंड इज़ वेरी कंफ्यूज्ड, मतलब हफड़ा दफड़ी में वो भागता हुआ ऊपर चला जाता है. एंड कैप्टन कुमार मूविंग अप एंड डाउन, पेसिंग मीन्स मूविंग अप एंड डाउन, एंड ही इज़ गिविंग क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस, क्रिस्प मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस द स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन. स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने क्रू को, अपने स्टाफ को, कि शिप की जो स्पीड है उसको कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, प्लस डायरेक्शन को चेंज किया जाए. ही नोडेड एट विशाल, नोडेड मीन्स मूवमेंट ऑफ हेड, सिर हिलाते हैं कि वो विशाल की तरफ. एंड वी आर गोइंग ऑफ कोर्स मीन्स रूट को चेंज करना. अब वो विशाल को बताते हैं कि हम जिस रूट पर जा रहे थे, इंटेंडेड थे जिस रूट पर जा रहे थे, वो हमने चेंज कर लिया है, अब हम उस रूट पर नहीं जा रहे. Some of the cargo is damaged and the gangway broken loose. कहते कि जो कुछ कार्गो है, जो हम फूड का कार्गो लेके जा रहे थे, वो थोड़ा सा वो डैमेज हो गया है, और जो गैंगवे है वो टूट के शिप के साथ ही लटक गया है. नाउ व्हाट इज़ गैंगवे?
अ बोर्ड पुट बिटवीन अ शिप एंड द लैंड सो दैट द पीपल कैन गेट ऑन एंड ऑफ। एक बोर्ड है, जैसे कि एक हम कहते हैं एक बोर्ड है जिसको ज़मीन पर और शिप के साथ अटैच कर देते हैं, जिसके ऊपर से चल के लोग शिप के अंदर जाते हैं, क्योंकि शिप को बिल्कुल किनारे पे नहीं लाते, शिप वाटर के अंदर ही खड़ी होती है ओशन में। तो एक बोर्ड अटैच करते हैं एक ब्रिज की तरह, उसके ऊपर से चल के लोग जो हैं शिप के अंदर जाते हैं। बाद में उस गैंगवे को शिप के साथ ही रोप्स के साथ बांध देते हैं, और जहाँ जहाँ शिप जाता है वो गैंगवे शिप के साथ बंधा रहता है। नाउ उस गैंगवे का जो एक कॉर्नर है वो शिप से टूट गया है, रोप ओपन हो गई है, एंड गैंगवे की वो ज़ोर से लाउड बैंग हुआ था, और जो गैंगवे है दैट इज़ उस बाकी का जो गैंगवे है वो पानी में नीचे सबमर्ज है और शिप के साथ लटका हुआ है, क्योंकि उसकी दो रोप्स अगर ऊपर से खुल गई हैं तो दो जगह से वो बंधा हुआ है और वो ड्रैग हो रहा है। मतलब ड्रैग मीन्स घसीटा जा रहा है, पानी के साथ साथ ड्रैग हो रहा है, और जब भी एक ज़ोर से वेव आती है तो वही वाला गैंगवे जो कि अब आधा पानी में आधा शिप के साथ अटैच है, वो शिप को बहुत हार्डली हिट करता है, शिप के एक पार्ट को। जैसे वेव आती है तो उसको आगे को ले आती है गैंगवे को, वो शिप को हिट करता है, और वापस वेव जाती है तो गैंगवे उसके साथ पीछे को चला जाता है। द तृष्णा वीयर्ड स्लोली टू हर राइट बफ्टेड बाय फ्यूरियस विंड्स। विशाल नाउ फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टैंड, ही हैड टू होल्ड टाइट ऑन टू द रेल ऑफ द ब्रिज टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम बींग हर्ल्ड डाउन। वियर्ड मीन्स चेंज डायरेक्शन। अब जो कृष्णा है वो अपनी तृष्णा जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है स्लोली, बिकॉज तृष्णा 8,000 टन की बड़ी शिप है, कोई छोटा सा व्हीकल नहीं है कि जिसमें हम बड़ी इजिली उसको टर्न कर लें। तो वो जब डायरेक्शन चेंज कर रही है, प्लस उसमें फ्यूरियस विंड्स उसको बफ्टेड बफ्टेड मीन उसको स्ट्राइक कर रही हैं, शिप को टक्कर हो रही है बार बार विंड की उसके साथ, तो सारी चीज़ें तो पहले ही वहाँ पे बेडलाम है। तो सब लोग विशाल नाउ फाउंडेड, अब विशाल से वहाँ पे उसके ऊपर खड़े नहीं हुआ जा रहा शिप के ऊपर, तो विशाल उसकी जो रेलिंग है उसको पकड़ लेता है। अब जो विशाल है उससे शिप के ऊपर खड़े नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि एक तो शिप जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक विंड बहुत तेज़ चल रही है, तो वो उसकी जो रेलिंग है जो ग्रिल है ब्रिज के ऊपर लगी हुई जो रेलिंग है उसको कस के पकड़ लेता है, टाइटली पकड़ लेता है, सो दैट ही शुडन बी हर्ल्ड डाउन। हर्ल्ड डाउन मीन्स समबडी पुश यू एंड यू फॉल डाउन, तो धक्का लगने से नीचे गिर जाना, वो नीचे ना गिर जाए। अबव द डिन ऑफ द विंड एंड द वेव्स देयर वॉज अ टेरिफाइंग साउंड वंस अगेन ऑन द स्टारबोर्ड साइड। सडनली इट सीम टू विशाल दैट ऑल हेल हैड ब्रोकन लूज। अबव द डिन, डिन मीन्स अनप्लेजेंट नॉइज़, जो हमारे कानों को बिल्कुल नॉइज़ अच्छी नहीं लगती, जो कि विंड की नॉइज़ है जब विंड बहुत फास्ट चलती है, कहते वो नॉइज़, और वेव्स की तो ऑलरेडी नॉइज़ बहुत है विच इज़ वेरी स्केरी। और इतने में एक और स्टारबोर्ड साइड यानी द एंट्रेंस ऑफ द शिप साइड से एक बहुत ज़ोर से एक स्केरी साउंड आती है, और विशाल को लगता है कि अब ऑल हेल हैड ब्रोकन लूज मीन्स जो अब पूरा गैंगवे जो है वो टूट के ओशन में गिर गया, जो कि पहले हाफ शिप के साथ जुड़ा हुआ था और हाफ पानी में सबमर्ज था, पूरी तरह से वो सबमर्ज हो गया, पानी के अंदर था, पूरी तरह से सबमर्ज हो गया, टूट के गिर गया, और उसी के टूट के गिरने की इतनी ज़ोर से दोबारा से आवाज़ आई है, अलार्म्स एंड बेल्स रैन श्रीली अराउंड एंड एमरजेंसी स्टेशंस वर कॉल्ड, पीपल वर रशिंग टूवर्ड्स द इंजन रूम। विशाल क्रैप्ट इन टू अ कॉर्नर आउट ऑफ द वे, हिज हार्ट पाउंडिंग एज लाउडली एज द वेव्स। कहते हैं पूरी शिप में अलार्म्स और बेल्स बजने लग गई हैं, अलर्ट हो गया पूरी शिप के अंदर। श्रिली अराउंड, श्रिली श्रिल का मीन होता है ऐसी वॉइस जो हमारे कानों को चुभती हैं, लेकिन यहाँ श्रिली अराउंड का मीन्स है हल्ला मच गया पूरी शिप के ऊपर, मैस हो गया। जो लैंड के ऊपर एमरजेंसी स्टेशंस होते हैं जहाँ से हेल्प मिलती है शिप्स को या एयरक्राफ्ट्स को, उनको कॉल किया गया, उनको कॉल्स जा रही हैं, पीपल आर रशिंग हेयर एंड देयर। नाउ ऑल द पीपल आर रशिंग टू द इंजन रूम एंड विशाल क्रीप इन टू अ कॉर्नर आउट ऑफ द वे। कहते विशाल जो है वो क्रीप करता हुआ, क्रॉल करता हुआ वे में से, रास्ते में से पीछे हट जाता है, सो दैट लोग जो इधर उधर इंजन रूम की तरफ स्पेशली भाग रहे हैं उनमें से कोई इसके ऊपर गिर ना जाए, कोई इससे स्टम्बल ना हो जाए। हिज हार्ट इज़ पाउंडिंग एज लाउडली एज वेव्स। कहते जितनी ज़ोर से वेव्स की आवाज़ आ रही है उतनी ज़ोर से उसका दिल जो है विशाल का वो धड़क रहा है, एक बच्चा है वो छोटा, और इतना कुछ देखने से वो डर गया। अ स्टील एंगल फ्रॉम द गैंगवे हैड पियर्स द शिप साइड, वाटर वॉज पोरिंग इन टू द इंजन रूम। कैप्टन कुमार इमीडिएटली ऑर्डर कोर्स टू बी ऑल्टर्ड।
Yet there was every risk of the ship overturning as water gushed in. Vishal heard that attempts were being made to plug the leak, but with little success. Every time the plugs were pushed ferociously back, the water level was now rising in the engine room. Pumps were put on to drain out the water, but even this was not effective. कहते अब गैंगवे जो है उसके एक कॉर्नर से, उसके एक स्टील एंगल से जो कि उसके कॉर्नर में लगा लगे होते हैं चारों कॉर्नर्स में, उसके बार बार शिप की एक साइड को हिट करने से शिप पियर्स्ड हो गई है. पियर्स मीन्स होल हो जाना. शिप के अंदर एक होल हो गया है सबसे लोअर पार्ट में, और शिप के सबसे लोअर पार्ट में इंजन रूम होता है. एंड वाटर स्टार्टेड पोरिंग इन. अब पानी जो है वो इंजन रूम के अंदर जाने लग गया. पोर वर्ड हम जो है लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं प्लीज़ पोर द टी इन टू माई कप, प्लीज़ पोर द पेट्रोल इन टू द टैंक ऑफ द एक्टिवा और कार. सो पोर वर्ड हम लिक्विड्स को डालने के लिए, कि लिक्विड को डाल दो उस चीज़ को, उसके लिए हम पोर वर्ड यूज़ करते हैं. अब कैप्टन कुमार जो हैं ऑर्डर दे रहे हैं, इमीडिएट ऑर्डर दे रहे हैं कि कोर्स यानी रास्ते को चेंज कर दिया जाए, ऑल्टर कर. नाउ वाटर इज़ पोरिंग इन टू द इंजन रूम, और कैप्टन कुमार जो हैं वो ऑर्डर देते हैं कि जो कोर्स है उसको ऑल्टर किया जाए, यानी रास्ता बदल लिया जाए. जिस साइड से टाइफून आ रहा है उस साइड को ना जाया जाए, प्लस वाटर जहाँ से ज़्यादा एंटर हो रहा है तो शिप का हम शिप की हमें साइड चेंज करनी चाहिए. येट देर वॉज एवरी रिस्क, लेकिन कहते हैं अब यहाँ पे शिप के ओवर टर्न होने यानी कि पलटने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है. वाटर इज़ गशिंग इन, गशिंग इन मीन विद द फुल फोर्स, बिकॉज ओशन इज सच अ बिग यू नो वाटर बॉडी, और उसमें इतना पानी है तो पानी जो है वो फुल फोर्स से शिप के इंजन रूम में जा रहा है. एंड विशाल कुड क्लियरली हियर, वो पूरी इजीली सुन सकता है कि कितने अटैम्प्ट मीन्स ट्राई, कितने ट्राई की जा रही है उस लीक को, लीक मीन्स उस होल को प्लग करने की, उसको प्लग मीन्स उसको बंद करने की, जो शिप में शिप शिप के अंदर वाली तरफ से उसमें कोई प्लग को ब्लॉक कर देने से, ताकि वो होल जो है वो बंद हो जाए ना. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा. उनको लिटल सक्सेस मिल रहा है, यानी कि नो सक्सेस, उनको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिल रहा. जितनी बार भी वो प्लग को इंजन रूम के अंदर से उस प्लग को उस होल के बीच में पुश करते हैं, तो बहुत ही फ्रियोशियसली मीन्स बहुत वॉयलेंट वे में वो जो प्लग है वो निकल के गिर जाता है, और अगेन पानी जो है वो अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है. नाउ द लेवल ऑफ द वाटर इज़ राइजिंग इन द इंजन रूम, और फाइनली उन्होंने क्या किया, पंप्स लगा दिए जिससे जो इंजन रूम में पानी है उसको ड्रेन करके पाइप के थ्रू दोबारा से वो ओशन में फेंक रहे हैं. वो भी अब बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है, वो प्लग लगाते हैं जब अंदर से तो ओशन में ऑब्वियसली इतना सारा पानी है, पूरी फोर्स से वो पानी प्लग को पुश करता है तो प्लग दूर जाके गिरता है, तो फिर दोबारा इंजन रूम में पानी भरना शुरू हो जाता है. तो अब तो ये तो सक्सेसफुल वो यहाँ नहीं हुए, तो फाइनली उन्होंने वहाँ पे एक पंप लगा दिया जिससे इंजन रूम के अंदर का पानी वो ड्रेन करके फेंक कहाँ रहे हैं, ओशन में. तो हो क्या रहा है, एक्चुअली एक सर्कल बन गया. ओशन में से पानी इंजन रूम में एंटर हो रहा है, और इंजन रूम से वो पानी ड्रेन करके ओशन में डाल रहे हैं, और ये सर्कल चल रहा है जो कि बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है. चीफ इंजीनियर बॉस वर्किंग फीवरिशली इन हिज बॉयलर सूट मेड एन अर्जेंट रिपोर्ट टू कैप्टन कुमार. कैप्टन, इफ़ यू कैनॉट स्टॉप द वाटर लेवल फ्रॉम राइजिंग विद इन 10 मिनट्स, द वाटर विल एंटर द मशीनरी एंड आई विल हैव टू स्टॉप द इंजन. अब मिस्टर बोस चीफ इंजीनियर का नेम है, ही इज़ वेरी डिटर्मिंड पर्सन, और बहुत ही डिटर्मिनेशन और एक्साइटमेंट से वो लगे हुए हैं काम करने. अपने बॉयलर सूट जो उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म है वो उन्होंने पहनी हुई है, और वो कैप्टन कुमार के पास आके कहते हैं कि अगर कहते हैं कि हम पानी का जो लेवल है उसको बढ़ने से रोक नहीं पा रहे, अगर हमने 10 मिनट्स में ऐसा नहीं किया, मतलब हम उसको नहीं रोक पाए पानी को अंदर एंटर होने से मशीनरी, तो सारा पानी मशीनरी में एंटर हो जाएगा और हमें जो इंजन्स हैं वो बंद करने पड़ेंगे. कैप्टन कुमार वॉज इन पैनिक, इट वॉज सुसाइडल टू स्टॉप द इंजन्स इन दीज वेदर कंडीशन, इट वॉज इम्पेरेटिव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू कीप द शिप मूविंग. मीन वाइल स्पार्क्स ट्रांसमिटेड एन एमरजेंसी सिग्नल अबाउट द डेंजर टू द शिप. विशाल कुड फील हिज नीज वोबली. अब कहते कैप्टन कुमार पैनिक हैं, डर जाते हैं ये बात सुन के कि हमें जो शिप का इंजन है बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंजन बंद कर देते हैं तो ऑब्वियसली शिप बहुत जल्दी डूब जाएगा.
कहते ये तो सुसाइडल होगा, ये तो आत्महत्या करने वाली बात है कि हम इंजन बंद कर दें, क्योंकि इस चलती हुई शिप में तो पानी फिर भी कम भरेगा, लेकिन अगर शिप एक जगह खड़ी हो जाती है फिर तो पानी और ज़्यादा स्पीड से अंदर चला जाएगा, जिससे हम और ज़्यादा जल्दी जो है शिप सिंक हो जाएगी और सब जो है उसकी सबकी डेथ हो जाएगी उसमें। अब कैप्टन कुमार कहते हैं कि ये तो इम्पेरेटिव है, ये तो अर्जेंट है कि हम हर पॉसिबल काम करें जिससे कि हम शिप को मूवमेंट में रखें, मूविंग रखें, उसको बंद ना करें। मीनवाइल मींस एट द सेम टाइम वहाँ पे स्पार्क्स आ जाते हैं जो कि रेडियो ऑफिसर हैं, और सॉरी जो स्पार्क्स आते नहीं हैं वो ही इज़ ऑलरेडी देयर, वो वहाँ से एमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं, एमरजेंसी सिग्नल अबाउट द डेंजर एट द एमरजेंसी स्टेशन विच इज़ ऑन द लैंड, वो भेजते हैं। एंड विशाल इज़ यू नो ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स एंड ही इज़ फीलिंग वुबली इन हिज नीज़, वुबली मीन्स मूविंग अनस्टेडिली, डर से उसके जो नीज़ हैं वो कांप रहे हैं। ही वॉज रिमाइंडेड सडनली ऑफ अ बोटिंग इंसिडेंट इन ओखला वैन ही हैड फेल सिमिलर वीक इन इन द नीज़, द बोट हैड डेवलप अ लीक एज वाटर गश्ड इन इट हैड टू बी ब्रॉट नियर द बैंक, दे हैड ऑल जम्प्ड आउट इन टू द शेलो वाटर एंड द बोट वॉज टिल्टेड टू एक्सपोज द लीक, इट मेड इट ईजियर टू प्लग। इतने में कहते अचानक से जो विशाल होता है उसको याद आ जाता है कि एक बार पहले भी उसके नीज ऐसे ही कांपे थे, ऐसे ही उसको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था जब वो ओखला नाम की एक जगह में अपने फ्रेंड्स के साथ बोटिंग करने गया था, तब उसके नीज़ में उसको इसी तरह की वीकनेस फील हुई थी क्योंकि उनकी बोट के अंदर एक होल हो गया था, इफ़ यू कैन सी इन द शिप। लेकिन वहाँ पे पानी बहुत शैलो था, शैलो मींस विच इज़ नॉट डीप, जिसमें इजीली खड़े हुआ जा सकता है, जैसे कि देख इस पिक्चर में विशाल इज स्टैंडिंग। तो कहते हैं कि वो अपनी बोट को बैंक तक यानी किनारे तक ले आए और वहाँ उतर के उन्होंने जो लीक है शिप को टेढ़ा किया, टिल्ट किया यानी टेढ़ा किया जैसे कि उन्होंने पिक्चर में किया हुआ है, बाहर की तरफ से उन्होंने उस लीक को एक्सपोज किया यानी फाइंड किया उस होल को और उसको इजीली प्लग लगा के उसको बंद कर दिया। अब विशाल के माइंड में आइडिया आता है एंड वो भागता हुआ अर्जेंटली अपने फादर के पास जाता है, फादर उसकी सारी बात को साइलेंस में सुनते हैं एंड नोडेड क्विकली और सिर हिला देते हैं और कहते हैं यू आर राइट माई बॉय, द सर्कमस्टेंसेज आर वेरी रिस्की, रिस्की एंड सर्कमस्टेंसेज बहुत रिस्की हैं, तृष्णा ओवरटर्न हो सकती है अगर हम उसको टिल्ट करते हैं बाहर की तरफ से लीक का पता करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास एक वे बचा है। तो फाइनली वो विशाल के इसी आइडिया को यूज़ करने के बारे में सोचते हैं कि जो शिप है उसको लिस्ट किया जाए टू टिल्ट, उसको टेढ़ा किया जाए एक साइड को ताकि होल को बाहर की तरफ से प्लग किया जाए। He was already barking sharp orders into the phone. Water in the bottom tanks was being shifted, and in a short while, the Trishna leaned heavily to one side. अब कहते हैं he is already barking. Barking means he is shouting. बहुत already वो काफ़ी shout कर चुके हैं और कर रहे हैं, फ़ोन पे orders दे रहे हैं ये करो वो करो ऐसा करो ताकि ship बच जाए, और water जो कि bottom tanks में है उसको shift किया गया जो कि नीचे fill हो गया था एक side पे, और एक साइड पे पानी शिफ्ट करने से क्या हुआ कि जो शिप तृष्णा उसके एक साइड पे वेट पड़ा और शिप जो है वो टिल्ट हो गई अपने आप ही। नाउ डाउन इन द इंजन रूम वाटर गश्ड इन ओनली एट इंटरवल्स, इफ़ यू कैन सी इन द पिक्चर द शिप इज़ टिल्टेड टू वन साइड एंड लीक इज़ एक्सपोज एंड फाइव पीपल दे आर यू नो प्लगिंग इट। सो अब कहते हैं कि जब शिप को टिल्ट कर दिया गया तो अब इंटरवल्स में पानी अंदर जा रहा है यानी कि रुक रुक के, पहले तो वाटर वॉज गशिंग इनसाइड द इंजन रूम बट नाउ वॉट हैज़ हैपन, अब जब वेव आती है तो पानी अंदर जाता है, थोड़ा सा पानी अंदर जाता है और फिर वेव वापस चली जाती है, तो शिप क्योंकि टिल्ट है तो पूरा पानी अंदर नहीं जाता। चीफ ऑफिसर एंड हिज मैन मेड वुडन प्लग एंड दिस टाइम फाइव पीपल हेल्ड इट इन पोजिशन विद ऑल देयर माइट, दे ब्लॉक्ड इट इन विन सीमेंट, एट लास्ट इट हेल्ड टाइट एंड देर वॉज अ क्राई ऑफ रिलीफ एज पंपिंग ऑपरेशन बिगैन टू ड्राई आउट द इंजन रूम। कहते हैं कि अब चीफ इंजीनियर चीफ ऑफिसर और उनके क्रू मेम्बर्स ने मिलकर एक वुडन प्लग बनाया और बाहर की तरफ से एक छोटी शिप में जाके, इफ़ यू कैन सी इन द पिक्चर, छोटी शिप में जाके उन्होंने वो प्लग जो है उस होल के अंदर उसको फंसा दिया प्लग को और सीमेंट लगा के उसको टाइट कर दिया ताकि वहाँ से पानी अब अंदर ना आए, एंड देर वॉज़ अ क्राई ऑफ रिलीफ। क्राई ऑफ रिलीफ मीन्स, रिलीफ मीन्स अब सब रिलीफ हैं, अब सबको मन को शांति मिली है कि अब हम बच गए हैं, एंड देर इज़ अ क्राई, शोर मच जाता है इस बात का कि नाउ वी आर आउट ऑफ डेंजर, और इंजन रूम को सुखाने का काम चल पड़ता है, जितना भी उसके अंदर पानी है उसको बाहर पंप आउट किया जा रहा है। That was near one, exclaimed Captain Kumar as he
stepped into the cabin some hours later, throwing off his raincoat. अब कहते दैट वॉज नियर वन, कैप्टन कुमार अपने कैबिन में वापस आते हैं, अपना रेनकोट एक साइड पे थ्रो कर देते हैं, फेंकते हैं और कहते हैं दैट वॉज नियर वन। नियर वन मीन्स कि टाइफून हमारे बहुत पास था, हम मरते मरते बचे हैं, डेथ हमारे बहुत पास थी। बट योर आइडिया वर्कड विशाल, पर हैप्स दैट सेव्ड अस। कहते बट विशाल योर आइडिया वर्कड एंड वी आर सेफ नाउ, वी आर सेफ नाउ, यू हैव सेव्ड अस। अब हम बिल्कुल सेफ हैं, तुमने हमें सेव कर लिया, बचा लिया। लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट शो दैट टाइफून एलसी इज़ मूविंग अवे, द बैरोमीटर इज़ राइजिंग एंड द विंड इज़ रिड्यूस। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उससे ये भी पता चला कि एक तो वो लोग तो बच ही गए हैं और दूसरा जो टाइफून एलसी उनकी तरफ आ रहा था अब वो उनसे दूर है। और बैरोमीटर विच आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स द एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो वो भी राइज होने लग गया, यानी कि जो विंड का प्रेशर है वो रिड्यूस है, अब विंड भी कम हो गई है। वी वुड ऑल डू विद सम रेस्ट आफ्टर दैट बैटरिंग, बैटरिंग मीन्स वॉयलेंट बीटिंग। जो कहते हैं कि इतनी वॉयलेंट बीटिंग हुई है, जो हमें इतना विंड की वॉयलेंस झेलनी पड़ी है, उसके बाद इट इज़ बेस्ट कि हम थोड़ी सी रेस्ट करें, चाहे कि हम 12 आवर्स लेट हैं। अब जहाँ उन्होंने मिनाडो अपना फूड कार्गो लेके जाना है, वहाँ वो पहले ही 12 आवर्स लेट हो चुके हैं, लेकिन रेस्ट उन्हें करनी ज़रूरी है बिकॉज दे ऑल आर टायर्ड नाउ। कैप्टन कुमार स्माइल्ड वियरली, वियरली इज़ टायर्डली, इज़ वेरी टायर्ड एंड ही स्माइलिंग एट हिज चिल्ड्रन। वी आर बैक ऑन द कोर्स, द डैमेज इज़ नॉट एज बैड एज वी फियर्ड। वाई ही स्माइलिंग? बिकॉज दे ऑल आर आउट ऑफ डेंजर नाउ। नाउ ही इज़ टेलिंग दैम दैट वी आर बैक ऑन द कोर्स, हम अपने रूट पर अब वापस हैं और डैमेज उतना बुरा नहीं हुआ जितना कहते कि मुझे लगा था। ओ थैंक गॉड, बीम्ड रोहिणी इन रिलीफ, who hadn't stirred from her bunk at all. Do you know my stomach has stopped churning? Maybe I have got my sea legs after all. अब रोहिणी जो कि अंदर अपने रूम में सोई हुई थी, जो कि साउंड स्लीप में थी, जिसको पता ही नहीं कि बाहर इतना कुछ हो गया, वो उठती है और कहती थैंक गॉड। बीम्ड रोहिणी इन रिलीफ, बीम्ड इज शी इज़ ग्लोइंग एंड शी इज सेइंग शी इज़ वेरी मच रिलीव्ड। उसको बिल्कुल बहुत ही रिलीफ से, बड़े चैन से वो कह रही कि वाओ सब कुछ ठीक हो गया, थैंक गॉड। एक्चुअली में वो अपने बंक से, बंक होता है अ शेल्फ लाइक बेड, छोटा सा बेड जो एक्चुअली शेल्फ की तरह होता है, जैसे कि ट्रेन्स में होते हैं, इस तरह का बेड है, छोटा सा कैबिन है, उसमें शेल्फ लाइक बेड पे वो सोई हुई थी एंड हैड नॉट स्टर्ड, स्टर्ड मीन्स मूव, वो तो ज़रा सा मूव तक नहीं की, हिली तक नहीं, उसको बिल्कुल नहीं पता बाहर क्या हुआ है। एंड शी इज़ थैंकिंग टू गॉड। नाउ डू यू नो माई स्टमक, अब वो कहते हैं कि मेरी जो स्टमक है वो भी अब चर्न नहीं हो रही है, मतलब मेरी स्टमक जो है वो अब दर्द नहीं हो रही है। वैसे चर्निंग का मतलब होता है जैसे कि हम जो दही है या उसको रिड़कते हैं, उसको मतते हैं दही को, दैट इज़ चर्निंग, जिसके लिए आजकल मशीन्स आ गई हैं। तो मे बी आई हैव गॉट माई सी लेग्स आफ्टर ऑल, वो कहते हैं कि अब रोहिणी कहती है कि अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे मेरी सी लेग्स मिल गई हैं। वैसे सी लेग्स का मतलब होता है, विच आई हैव टोल्ड यू इन द चैप्टर अर्लियर ऑल्सो, टू स्टैंड ऑन अ शिप वाइल द शिप इज मूविंग, अपने आप को बैलेंस करना, क्योंकि नॉर्मल पर्सन मूविंग शिप पे खड़े नहीं हो सकता, स्पेशली जब शिप लर्च लेती है तो इम्बैलेंस होकर लोग गिर जाते हैं। सो फाइनली रोहिणी को लगता है कि अब उसको सी सिकनेस की जो प्रॉब्लम है वो दोबारा नहीं होगी। विशाल की जो लेग्स हैं वो अभी भी वुबली हैं, उसकी लेग्स कांप रही हैं और उसको लग रहा है कि वो स्टॉर्म की आँखों के कितनी पास थे, यानी डेथ के कितनी पास थे, और वो उसको लगता है कि ये कितनी अच्छी टेल है, कितनी अच्छी स्टोरी है स्कूल में बॉयज़ को बताने के लिए। अब कहते हो कि उनको जो आइलैंड है जहाँ उन्होंने जाना था वो दिखाई देने लग गया, लूम्ड मींस अपीयर्ड अहेड, दिखाई देने लग गया है, लैंड दिखाई देने लगी, उसकी फॉर्म्स उसकी शेप्स दिखाई दे रही हैं दूर से। द टर्बुलेंट स्पिरिट, टर्बुलेंट मीन्स वॉयलेंट एंड डिसऑर्डरली स्पिरिट, जो सी की थी ऐसा लग रहा है कि वो अब सूद हो गई है, यानी कि सी ओशन जो कि थोड़ी देर पहले बहुत वॉयलेंट था वो अब शांत हो गया है। विंड जो है दैट हैड डाइड, विंड भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ऐसा लग रहा है मिरेकल हो गया है, यानी कि चमत्कार हो गया है। नाउ इंडीड इट वुड बी अ स्मूथ सेलिंग, कहते हैं नाउ इंडीड, इंडीड मीन्स सचमुच, अब सेलिंग जो है, सेलिंग मीन्स जर्नी ऑफ द शिप, वो बिल्कुल स्मूथ होगी। हियर वी फिनिश विद दिस चैप्टर, आई विल बी कमिंग इन माई अपकमिंग वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एंड कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।